वेलकम टू आई स्टिचिंग। आज की वीडियो में हम प्लाजो पैंट की लंबाई कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी लंबाई को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्लाजो की लंबाई को मेज़र करेंगे। हमारी प्लाजो की लंबाई 35 इंचेस है और हमें ये लंबाई 2 इंचेस और इंक्रीज करनी है, मतलब हमें 35 है उसका 37 इंचेस करना है। तो हमें 2 इंचेस का प्लाजो की लंबाई को इंक्रीज करना है। तो आइए इसके लिए हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो नीचे की जो हेम है प्लाजो पैंट की, उसको हम ओपन कर लेंगे सीम रिपर की मदद से। दोनों पैर की हेम को हमें ओपन कर लेना है। तो मैं आपको फास्ट में दिखा देती हूँ ओपन करके। ये देखिए, पहले हमारा प्लाजो पैंट इस तरह से था, ये उसका ओरिजिनल था। ये हमने ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद वो इस तरह से इतना लंबा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। ये जो लंबा हुआ है 1.25 इंचेस लंबा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 1 इंच हमारा पैंट लंबा हो गया और जो 0.25 इंचेस है वो हमें सीम अलाउंस चाहिए। तो और हमें और 1 इंच हमें लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। 1 इंच हमारी ये जो लंबाई हेम की मिली और दूसरी 1 इंच हम पॉकेट में से निकालेंगे। तो आइए पॉकेट को पहले हम बाहर की तरफ से सिल लेंगे, फिर हमें पॉकेट काटना है। हमारी 1 इंच की लंबाई हमने जो हेम ओपन की नीचे की उसमें से मिल गई और दूसरी 1 इंच की लंबाई हम पॉकेट के फैब्रिक में से ले लेंगे। अगर आपको ज़्यादा लंबाई ऐड करनी है, मतलब आपको अगर ज़्यादा लंबा करना है प्लाजो पैंट, तो आपको दोनों पॉकेट का यूज़ करना है। मुझे सिर्फ 1 इंच ही चाहिए लंबाई, तो मैं सिर्फ एक ही पॉकेट को क्लोज कर रही हूँ और मैं जो लेफ़्ट साइड वाला पॉकेट है उसको मैं क्लोज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें बाहर की साइड से जो पॉकेट है उसको क्लोज़ कर लेना है। तो इधर से एक सिलाई करेंगे, फिर वापस टर्न करके उसके ऊपर एक दूसरी स्टिच कर लेंगे। बैक टैक करना है हर जगह पे, जहाँ पे स्टार्ट करेंगे जहाँ पे एंड करेंगे, और जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो काट लेने हैं। ये देखिए हमारा पॉकेट अभी ऊपर से क्लोज हो गया है, सिर्फ शो का ही दिखेगा पॉकेट है लेकिन वो क्लोज है। अब हम इस पॉकेट को बाहर निकालेंगे। अच्छे से उसको बिठाएंगे। और हम इस पॉकेट को धारी किनारी पे से काटेंगे। हमें ध्यान रखना है कि प्लाजो पैंट हमारा कट नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉकेट ही कट होगा। तो ये हमारा पॉकेट कट हो गया है। अभी पॉकेट को हम थोड़ा सा जो ऊपर नीचे है वो स्ट्रेट कर लेंगे। मुझे 1 इंच बढ़ाना है, इसके लिए मुझे 2.5 इंच की 2 पट्टी चाहिए। 1 इंच के लिए मुझे 2.5 इंच की 2.5 इंच की 2 पट्टी चाहिए। तो वो इस एक पॉकेट में से ही निकल जाएगी। अगर आपको ज़्यादा लंबा करना है तो आपको इसी तरह से दूसरा पॉकेट भी कट कर लेना है। हम इस तरह से पॉकेट की 2 पट्टी काट के रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं 2.5 इंच की दोनों पट्टी है। अब हमें इनसाइड जो सीम होती है वो ओपन करनी है, ठीक है। तो ये दोनों हम सीम रिपर की मदद से दोनों पैर के जो इनसाइड सीम है, अंदर की बाजू जो सीम आती है, उसको 3-4 इंच जितना ओपन कर लेंगे। तो मैं ये आपको फास्ट में दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से सीम ओपन कर ली है, लेकिन जो आउटर सीम होती है, जो बाहर की साइड पे भी एक सीम होती है, तो क्योंकि हमने ओपन किया है
सिलाई को हमने खोला है तो जो आउटर सीम है उसको हम पहले एक बार फिक्स कर लेंगे बैक टैक करके। दोनों की आउटर सीम एक बार हम फिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने सिलाई खोली है तो इसकी भी सिलाई टूट सकती है खोलने में। तो पहले हम आउटर सीम को इस तरह से फिक्स कर लेंगे। फिर जो हमने पॉकेट काटे उसके बीच में भी यहाँ पे एक सीम है तो इसको भी हम बैक टैक करके, ये भी दोनों ही पॉकेट का जो फैब्रिक है उसकी ये सीम जो बीच में आ रही है उसको हम सिक्योर कर लेंगे। तो क्या है, बाद में वो कभी भी खुल नहीं जाएगी। अभी दोनों रेडी है हमारी पट्टी। तो जो प्लाजो है उसकी जो रॉन्ग साइड है, ये देखिए रॉन्ग साइड के ऊपर ये हमारी जो पॉकेट का जो फैब्रिक है उसकी राइट साइड हमें रखनी है। तो प्लाजो की रॉन्ग साइड और पट्टी की राइट साइड और दोनों की जो बीच की सीम है उसको मैचिंग करेंगे और उसको एक के ऊपर एक रख के हम सिर्फ 0.25 इंच ही सीम अलाउंस का यूज़ करेंगे और फिर एक स्ट्रेट स्टिच करेंगे और पूरा एक साइड का स्टिच कर लेंगे। अब वापस बीच में से स्टार्ट करेंगे। और इस साइड का भी हम पूरा सिक्योर कर लेंगे। जब भी आप स्टार्ट करो बैक टैक से स्टार्ट करो और जब भी आप एंड करो बैक टैक करके एंड करो। हमारी पट्टी यहाँ पे लग गई है। अभी हम पट्टी को बाहर की साइड पे टर्न कर लेंगे और जितना भी सीम है वो नीचे की साइड पे टर्न करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके ये हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। ये अभी हमारा फ्रंट साइड है, प्लाजो का फ्रंट साइड पे हमने टर्न करके स्टिच करना स्टार्ट किया है और इस तरह से हमारी जो 2.5 इंच की जो पट्टी थी वो आप देख सकते हैं अभी एक इंच की ही बाहर की साइड पे दिख रही है। तो आपने देखा कि एक इंच हमने हेम का जो ओपन किया उसमें से निकाला और दूसरा एक इंच हमने पॉकेट के फैब्रिक में से निकाला। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपकी कोई बात है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमने इसी तरह से एक वीडियो बनाया है जिसमें प्लाजो में मियानी कैसे लगाते हैं वो हमने दिखाई है, तो उसका भी लिंक हमने आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये देखिए आपको सिलने के टाइम पे ये दोनों की लेंथ मैचिंग करनी है, नहीं तो एक लंबा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा। इस तरह से मैचिंग करके फिर आपको इस तरह से सिल लेना है। ये आप देख सकते हैं हमारी पट्टी लग गई है। अब जितनी सीम हमने खोली थी उससे दो तीन इंच ऊपर से, मतलब 4-5 इंच ऊपर से आपको बैक टैक करके जो इनसाइड सीम है उसको वापस बंद कर देना है। जो प्लाजो की ओरिजिनल सिलाई है उसके दो तीन इंच ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे और बैक टैक करके स्टार्ट करेंगे और बैक टैक करके ही यहाँ पे भी एंड करेंगे। देखना है हमारी लेंथ एक जितनी ही होनी चाहिए, इस तरह से एक लंबा और एक छोटा हमारा नहीं हो जाना चाहिए, उस तरह से करेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी हम काट लेंगे तो आप देखिए हमारा प्लाजो पैंट 2 इंच लंबा होगा, ये आप देख सकते हैं।
ये देखिए ओरिजिनल लाइन थी, वहाँ से 2 इंच की हमारी प्लाजो की लेंथ बढ़ गई है। मैं आपको पूरा मेज़र करके दिखाती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले हमारा 35 इंच का प्लाजो था, अब हमारा जो प्लाजो पैंट है वो हो गया है 37 इंच का। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।